मिट जाता है, एक मिनट भूख मिट जाता है, उसके पश्चात हम देखते हैं कि हमें और की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे ख़त्म होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को मतलब हमारा बढ़ता है जब हम गंदगी हमारे शरीर में जाती है तो हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को साफ करने के लिए हमारे ब्लड में जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो गंदगी होती पहले निकल जाता है, खून की सफाई हो जाती है, तो खून में भी आपका बढ़िया सफाई हो जाती है तो आर्टरीज में जमता भी नहीं है, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल भी उसमें अच्छा हो जाता है, खून की सफाई होती है, हमारी आंतों की सफाई होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी हमारा बढ़ जाता है, मतलब सिंपल साधारण से हो जाता रहता है। उसके पश्चात हम देखते हैं खाने में, हम जब थकान भी इससे दूर होती है, क्योंकि जब हमारी कमी जो ये सब चीज़ रहती है तो खाना खाते हैं हमको एनर्जी मिलती है और भूख बार बार नहीं लगता, क्रेविंग नहीं होती है। इस प्रकार से हमारी जो है पाचन क्रिया भी सही होती है। पाचन क्रिया में हमारी गुड बैक्टीरिया का ये भोजन है फाइबर, और जब हमारी शरीर में गुड बैक्टीरिया अच्छा रहेगा, बैड बैक्टीरिया कम रहेगा तो हमारी पाचन क्रिया भी सही होगी। तो फाइबर का रोल इतना है कि जो है अच्छा हम खाएंगे, फाइबर युक्त खाएंगे तो बैक्टीरिया बनी रहेगी, उनकी संख्या अच्छी रहेगी तो हमारा पाचन क्रिया भी सही रहेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर है और हमारा क्या नाम है डायबिटिक है, डायबिटिक में भी बहुत करता है कि जब हमारी खून की सफाई, जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कभी कभी हमारी एक्सरसाइज नहीं होती है, खून जम जाता है तो उसको सफाई करता है। तो हमारे पास हमारी जो मतलब ये सिस्टम है उसमें दो प्रकार के फाइबर्स मिले हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स है एक एक्टिव मतलब फाइबर है। तो जो टैबलेट फार्म में है उसको हम सुबह दोपहर शाम तीन बार खाते हैं, और हम जब कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो एक चम्मच में 5 ग्राम हमको मिलता है। तो इस प्रकार से फाइबर हमको जो हमको बाहर से नहीं मिल पाता है, जितना नहीं मिल पाता तो ये कंप्लीट करता है। तो हम तीन बार लेते हैं और एक बार तीन बार दो बार वो लेते हैं, तो कम से कम एक स्पून में 5 ग्राम होता है तो 10 ग्राम ये हो जाता है और करीब करीब 15 ग्राम उधर हो जाता है, तो 25 ये हो जाता है। और कुछ हमको जो ज़रूरत होती है हम फाइबर जो है सलाद से लेते हैं, होल ग्रेन से मिलता है मुझको, और क्या कहते हैं कि फ्रूट से मिलता है। तो ऐसे इसलिए हम फाइबर उसको जो है 7 किस्म की जो है हमें वो मिलता है, सब्जियों में 7 किस्म की सब्जियां भी खानी चाहिए, 7 किस्म के फ्रूट्स भी खाने चाहिए। ये बताया गया है कि हमको जो इंद्रधनुष है जैसे रेनबो, 7 किस्म के रेनबो रंग होते हैं, उसी प्रकार से हमको सीजनल भोजन खाना में सब्जी खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी बॉडी को सुटेबल पड़ता है बताया जाता है। तो लोकल भी हो, ये नहीं कि बाहरी चीज़ हम खाएं, लोकल 7 किस्म की चीज़ें खा करके हम अपने फाइबर को कंप्लीट करते हैं। और मोटी मोटा ये है कि फाइबर हमारे लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और इस प्रकार से हम अभी थोड़ा सा भी तैयार कर पाए थे और आगे हम इसको विस्तृत बताएंगे। थैंक यू।